बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th फिज़िक्स का आगाज़ करते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट लेते हैं। ए बॉडी वाइब्रेटिंग विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड। इसका टाइम पीरियड जो है ये टी इक्वल टू है 2 मिलीसेकंड। मिली जो है 10^-3 सेकंड की ग्रोथ। प्रोड्यूस ए वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 1250 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ लैम्डा हमने फाइंड करनी। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देन v इज इक्वल टू 1/T लैम्डा, v 1250, t 2 × 10^-3 लैम्डा, 1250 इंटू 2 × 10^-3 लैम्डा इज इक्वल टू। इसको सॉल्व किया जाए तो ये 2.5 मीटर इसका रिजल्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। ए बॉडी ट्रैवलिंग विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड प्रोड्यूस ए वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1250 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज इट्स वेव लेंथ? तो वो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और ये जो f है, ये f जो होता है ये क्या होता है, ये f इज इक्वल टू 1/T के होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि therefore v इज इक्वल टू, जहाँ पर f था वहाँ पर 1/T लगा दिया, और यहाँ पर ये t की वैल्यू 2 × 10^-3 ये इधर आप मल्टीप्ली होगा, तो यूँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन जो है, ए साउंड सिग्नल इज 120 वाइब्रेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 128 वाइब्रेशन पर सेकंड। वेव लेंथ है लैम्डा 2.7 मीटर। स्पीड हमने फाइंड करनी है, वी हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला वही, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा,
इसमें आप एफ की वैल्यू 128, लैम्डा 2.7, वी इज इक्वल टू है 345.6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमन हार्ट ऑन द एवरेज इज फोकस्ड टू बीट 75 टाइम इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू 75 टाइम टेकन। वो हमारे पास है 1 मिनट 60 सेकंड। पूछा उसने ये है कि आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, एफ वी नो डेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेक। नंबर ऑफ बीट्स 75, टाइम टेकन 60। ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 पर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है टी, जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम एल इज इक्वल टू 1.2 मीटर। लेंथ 1.2 मीटर। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्के। यार फॉर्मूला है, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2πL/g होल स्क्वायर रूट। पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू 1.2, जी की वैल्यू 9.8। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 2.19 सेकंड। इसमें आप देखें कि टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, पेंडुलम की लेंथ 1.2 है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बुक पे नहीं दी हुई, ये आपको जबानी याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला टी इज इक्वल टू पाई एल बाय जी, और इसमें पाई की वैल्यू ये फिक्स है 3.14, एल 1.2 है, जी 9.8 है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.19। क्वेश्चन नंबर टेन है ए बॉल ऑफ मैस है हमारे पास 0.1 kg, इज अटैच टू स्प्रिंग प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट है के इक्वल टू है 6 न्यूटन पर मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर। पूछा उसने ये है कि आप फाइंड करें, टाइम पीरियड को फाइंड करें, टी हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला है, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k। अब वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, मैस है 0.16 होस के रूप, टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.816। आज हमने न्यूमेरिकल चैप्टर 10 की कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको बताया था कि जितने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल होते हैं इतने ही इम्पॉर्टेंट जो हैं ये एग्जांपल भी होते हैं। आपने एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है, सिंपल सी हैं, जैसे ये मैंने अभी न्यूमेरिकल किए हैं बिल्कुल इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने इनको पढ़ना है, अगर ना समझ आए आप मुझसे रब्ता कर लें, टीचर से रब्ता कर लें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जितने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उतने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।